ये मेरी 250 ग्राम पनीर है ये और ये थोड़ी कट कर दिए हैं। अब आप लोगों को काट कर दिखाते हैं। ऐसे आप चाहे तो छोटे में काट लीजिए पीस और चाहे बड़े में, तो इतने इतने काटेंगे। पनीर मेरी कट के कट गई है। अब इसको चलते हैं भूनने। अब इसको तलेंगे। ये मेरा ओनियन है, अब इसको हम काट लेते हैं। ऐसे ऐसे काट लेते हैं और मिक्सी में पीस लेंगे इसको। एक टमाटो है, एक टमाटो डालेंगे और ये चिली, ये मेरी चिली, दो चिली डालेंगे। अब इसको मिक्सी में पीसते हैं। तेल मेरा गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे ओनियन और चिली। इसमें डालेंगे ओनियन और चिली, इसको अब डालेंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे टोमेटो। धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर करेंगे इसे। तो 5 मिनट तक पकाएंगे। तक भूनेंगे इसको। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मसाले मिक्स करके डाल देंगे। इसमें हर चीज़ मिक्स है एक में। अब ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे इसको। अब पनीर हमने भून कर पहले रख लिए थे, इसको वीडियो में नहीं दिखाए हैं। अब इसको डाल देते हैं। मसाला मेरा भून गया है। अब इसको एक में मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे। अब 2 मिनट तक इसको भूनेंगे ऐसे ऐसे। एक ही में मिक्स हो गई है। अब ये हरा मटर, अब इसमें डालेंगे हरा मटर। अब इसको ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे इसको। तो ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब ये मिक्स हो गया है। अब इसको, अब इसमें डालेंगे पानी। थोड़ा और डालेंगे। अब इसमें हम 1 लोटा पानी डाले हैं। अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे 1 चम्मच। पनीर बन के रेडी हो गई है। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज़ करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।